ड्राइविंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ड्राइविंग करो बल्कि, और बहुत सारे ड्राइवरों के जो रूम है वो कफील के घर के पास ही रहते हैं, तो उनके घर में सारा जो खजूर है मैंने डिक्की में रख लिया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जुल्फी जाने वाला हूं, अभी जुल्फी जाने के लिए मैं रेडी हो चुका हूं। नहा धो के रेडी इसीलिए हो चुका हूं क्योंकि जुम्मा की जो नमाज़ है मेरे को यहाँ पे टाइम पे मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ पता नहीं है, इस वजह से मैं नहा धो के रेडी होकर जा रहा हूँ। और लगभग जुल्फी जो है यहाँ से 270 किलोमीटर है, और यानी कि 270 किलोमीटर जाना है, 270 किलोमीटर मेरे को जहर से पहले आना है क्योंकि जुम्मा है। और मेरे को एक भाई साहब पूछ रहे थे कि हाउस ड्राइविंग का ड्यूटी कितना होता है बोल के। भाई देखो, जुम्मा हो या हफ्ता हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हम लोगों को ड्यूटी करना पड़ता है। और माशाल्लाह मौसम देख लीजिए रियाद का कितना खूबसूरत है, बारिश पड़ रहा है। सुबह सुबह में मैं उठ के आया तो देखा कि बारिश पड़ रहा था, और गाड़ी जो है मैं रात में यहीं पर लेके आके रोक लिया था क्योंकि मेरे को सुबह में वहाँ पर जाके लेके आना पड़ता, इस वजह से मैंने रात में क्या किया, गाड़ी को यहीं पर लेके आके रख लिया। तो चलिए आप लोगों को चलते चलते दिखाते हैं। और माशाल्लाह जुल्फी जो है बहुत ही खूबसूरत एक गांव है, आप लोगों को भी वहां पे जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रास्ते में चलते चलते आप लोगों को दिखाते हैं। और मैंने गाड़ी में पेट्रोल डाला नहीं था, अभी जाते जाते रास्ते में पेट्रोल भी डालना रहेगा और रास्ते में ही नाश्ता कर लेंगे हम लोग। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पेट्रोल पंप के पास पहुंच गया हूं, और अभी यहां से गाड़ी को टैंक जो है फुल करेंगे। फुल करने के बाद सामने ही एक होटल है, वहां से सैंडविच लेंगे, सैंडविच लेने के बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद आगे का सफर शुरू करेंगे। कैश है। फ्रेंड्स पेट्रोल को जो है फुल कर लिया, और पेट्रोल जो है मेरी गाड़ी में 122 रियाल में टैंक फुल हो चुकी है मेरी, और अभी यहां से सैंडविच लेने के बाद आगे का सफर हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी। 10, 20, 30 हो गया, शुक्रिया भाई। फ्रेंड्स यही है सामने की होटल जहां से अभी मैं सैंडविच लूंगा। चलिए फोन को हम यहीं पे रखते हैं, जाकर सैंडविच लेके आते हैं। फ्रेंड्स अपने लिए मैं सैंडविच लेके आया दो, और एक चाय लेके आया।
तो आइए फ्रेंड्स इसको जल्दी से खा लेते हैं, खाने के बाद आगे का सफर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया, तो अभी चलिए यहाँ से चलते हैं, आगे का सफर यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जुल्फी के रास्ते में है ना, माशाल्लाह कितना अच्छा बारिश पड़ रहा है यहाँ पे। और रास्ते में जब मैं आ रहा था ना, देखिए मैंने ये जो ब्रिज होता है ब्रिज के नीचे खड़ा हुआ हूँ क्योंकि बारिश मेरे ऊपर पड़ना नहीं बोल के, और आप लोग पीछे नज़ारा देख सकते हैं बारिश कितना पड़ रहा है बोल के, और शायद हवा का जो रुख है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही है अच्छी खासी, शायद आप लोगों को वीडियो में पता चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए बारिश पड़ रहा है, वही दिखाने के लिए मैं बीच में यहाँ पे रोका था। और यहाँ से जुल्फी जो है और 55 किलोमीटर है, यानी कि 55 किलोमीटर है, तो चलिए यही दिखाने के लिए रोका था, अभी जल्दी से चलते हैं आगे का सफ़र और आगे शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जुल्फी पहुंच चुका हूं, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:18 हो रहे हैं अभी, और मैं ना जुल्फी आते जाते रहता हूं, यहां पे कफील का मदरा है तो वहां से जो है मेरे को खजूर लेके जाना रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से अभी है ना खजूर को गाड़ी में डाल लेते हैं, डालने के बाद जो है आप लोगों को एक बार दिखाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रियाद का सफर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने यहाँ से सामान ले लिया है, और ये देखिए सारा जो खजूर है मैंने डिक्की में रख लिया है, अभी मैं निकल रहा हूँ रियाद के लिए। और अभी क्या टाइम हो रहा है एक बार आप लोगों को गाड़ी के अंदर जाने के बाद दिखाते हैं, आइए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलेंगे तो रियाद को पहुँचेंगे भाई। बिस्मिल्लाह अभी देखिए 9:48 हो रहे हैं अभी, तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ से निकलते हैं रियाद के लिए, और देखते हैं रियाद को कितने बजे पहुँचेंगे, और जुम्मा की नमाज जो है हमारे को रियाद में नहीं मिलेगी, रास्ते में पढ़कर बाद में निकलना रहेगा। तो चलिए यहाँ से सफ़र अभी शुरू करते हैं रियाद का।
फ्रेंड्स, जुल्फी से निकलने के बाद अभी मैं एक महत्ते के पास आके रुका हुआ हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 11:32 हो रहे हैं अभी। और यहीं से नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद आगे का सफर हम शुरू करेंगे। और रियाद जो है यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है, और अभी नमाज को तकरीबन 15-20 मिनट है। और आगे जाऊंगा तो वहां पे मेरे को मस्जिद नहीं मिलेगी। और क्या करेंगे, यहीं पे पेट्रोल पंप है तो यहीं पे पेट्रोल डाल लेंगे। पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी को रोकते हैं, इंतजार करते हैं नमाज का। नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आगे का सफर हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल को टैंक फुल कराएंगे। देखिए जी, अभी इतना बाकी है मेरी गाड़ी में, कितना बाकी है, लगभग 126 किलोमीटर और बाकी है। और 11:33 हो रहे हैं अभी। 91 फुल। अभी हमारी गाड़ी में 107 रियाल का पेट्रोल आ चुका है। और ये देखिए जी, कंप्लीट कर रहे हैं भाई साहब, हो गया डालकर। अभी ढक्कन बंद कर देंगे और हमारे से शबका पूछेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इनको, हम कैश देंगे भाई। कैश है कितना? 107 110 ये हमने कैश दे दिया है। कैश देने के बाद जो है, अभी शबका में मेरे पैसे हैं, लेकिन मैं शबका से इसलिए नहीं काटा क्योंकि शबका में मेरे को पैसा चाहिए बोल के। अभी मेरे पास कैश था तो इसीलिए मैंने कैश दे दिया। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ पढ़ लिया। जुमा की नमाज़ पढ़ लेके अभी निकले हैं सारे लोग, देख लीजिए निकल रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से रियाद के लिए निकल रहा हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 12:02 बाकी हैं। तो चलिए अभी यहाँ से फिर से वापस शुरू करते हैं रियाद का सफ़र। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रियाद पहुंच गया हूं, यानी कि मैडम के घर के नज़दीक पहुंच गया हूं। और अभी जो सामान है उसको मैडम के घर पे उतार देना है, उसके बाद अपने लिए खाना लेके रूम पे जाके खाना रहेगा। और ड्यूटी का अभी तक किसी ने बताया नहीं है, जब मैं शायद खाना लेके आऊंगा तब बताएंगे। और एक भाई का क्वेश्चन था कि आपकी ड्यूटी का टाइमिंग कितना है बोल के। भाई, यहाँ पे हाउस ड्राइविंग में ना कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि जब भी कॉल आएगा आपको जाना रहेगा, ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी कभी रात में लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती है आपको, जब आप इंडिया से या आपकी कंट्री से आप यहाँ पे एक बार सऊदी अरब में आ गए तो आप जब तक आप छुट्टी नहीं जाएंगे तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको कहीं जाना रहेगा तो आप बता सकते हैं
कि आपको यहाँ पर जाना है बोल के, तो कोई अच्छे लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि जाओ घूमो फिरो, ऐसा बोलते हैं। जैसे कि मेरे घर में है, मैं कहीं पे जाना रहेगा मेरे को तो मैं बता देता हूँ कि मेरे को यहाँ पे जाने का है, तो बोलते हैं कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सामान को लेके जाके पहले घर पर उतार देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान जो है मैडम के घर पर उतार दिया, अभी जा रहा हूँ वापस अपने घर, और आते आते जो है अपने लिए खाना भी दे दिए, खाना लेके आ गया, और रूम पर जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि खाने में क्या आया हुआ है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि खाने में क्या आया हुआ है। आज कवर आया, आज बॉक्स नहीं आया। ये देखिए केले आए हुए दो, उसके बाद ये रहा संतरा, और चावल में क्या आया हुआ है एक मिनट देखिए। चावल में आज क्या आया हुआ है आइए आपको दिखाते हैं, खोल कर दिखाते हैं। ये खाना खोलने की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और मत समझिएगा। मुर्गी आई हुई है और चावल आया हुआ है। आइए फ्रेंड्स जल्दी से अभी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद इंतज़ार करते हैं ड्यूटी का। अगर ड्यूटी का कॉल आएगा तो जाना रहेगा, नहीं बोले तो आराम करना रहेगा। अभी लगभग मैं 550-600 किलोमीटर जाके आ चुका हूँ, अभी थोड़ा थक गया हूँ, अगर ड्यूटी का कॉल नहीं आएगा तो अच्छे से सो जाऊँगा भाई। तो अभी जल्दी से खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद इंतज़ार करते हैं ड्यूटी का, अगर ड्यूटी आएगी तो आप लोगों को बताऊँगा। फ्रेंड्स जुल्फी से सामान लेके आने के बाद घर आया, घर आने के बाद खाना खाया, खाना खा के सो गया था, उसके बाद ड्यूटी का कुछ कॉल आया नहीं था, इस वजह से ड्यूटी को कहीं गया नहीं है। और जुल्फी से आने के बाद जो बारिश में जाके आई हुई है गाड़ी, उसके बाद देखिए गाड़ी की हालत कैसी हुई है। अभी मेरे को इसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद घर के पास लेके जाके रोकना रहेगा। एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए कैसी हालत में अभी रुकी हुई है गाड़ी, ये देखिए कैसी है हालत गाड़ी की। काली गाड़ी जो है पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, ये देखिए पीछे देखिए कितना सफ़ेद हो गया है पूरा। अभी धोने के लिए रुका हुआ हूँ और एक साइड धो चुका हूँ अभी, देखिए ये देखिए इस तरफ से धो लेके आ रहा हूँ अभी, और पानी देखिए कितना गंदा हो रहा है। ओ भाई अभी ये पानी को है ना फेंक के दूसरा बकेट है ना लेके आया हूँ, अभी देखिए ये साफ़ पानी है। अभी पूरी गाड़ी को है ना साफ़ करना रहेगा मेरे को, साफ़ करने के बाद लेके जाके गाड़ी को रोकना रहेगा। अभी है ना जल्दी से साफ़ कर देता हूँ, साफ़ करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी गाड़ी है ना पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है मैंने, अभी लेके जाके वहाँ पे रोकना रहेगा। उससे पहले एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए पहले ना पूरा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर था गाड़ी पे, अभी देखिए कितना काला हो गया है गाड़ी, अभी फुल एकदम नई की तरह अभी चमका दिया हूँ, देख सकते हैं। ये देखिए इधर भी धोके हो गया है और इस तरफ भी धोके हो गया है, लाला गाड़ी तो अभी एकदम साफ हो चुकी है। अभी इस गाड़ी को लेके जाके मैडम के घर के पास रोकना रहेगा। और एक भाई सबका सवाल था वहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है ड्राइविंग में बोल के, भाई देखो ड्राइविंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ड्राइविंग करो बोल के, आपकी गाड़ी भी साफ़ रखना आपको ज़रूरी है। अभी मेरे घर में एक गाड़ी है तो मैं एक गाड़ी साफ़ करता हूँ, यानी कि मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं एक गाड़ी साफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है वो अलग है कफ़ील के घर से, और बहुत सारे ड्राइवरों के जो रूम हैं वो कफ़ील के घर के पास ही रहते हैं, तो उनके घर में जो है कभी दो गाड़ी रहती है, किसी के घर में तीन गाड़ी रहती है, तो उनको साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग सवाल कीजिएगा, यानी कि आप कमेंट्स कीजिएगा, उनके सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और आप लोग यहाँ पे रियाज सीज़न चल रहा है स्वेदी पार्क में, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है इंडियन सीज़न की, इंडियन नाइट्स की, तो ये क्लिक करके आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आ रही है पाकिस्तान नाइट्स की, ये भी आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से यूँ ही एक नए ब्लॉग में, तब तक आपका और आपके फैमिली का अच्छा से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।